दफ्तर में चुनाव समिति की 3 घंटे तक चली बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और अभी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मापदंडों को लेकर बात हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर कहा कि वह जारी करे, जनता रिपोर्ट कार्ड बनाती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर उन्होंने भाजपा की सूची को बताते हुए कहा कि भाजपा ने सूची जारी कर दी है, इसलिए हम भी करेंगे। भोपाल और छत्तीसगढ़ से जुड़े लोगों के नामों की भी जानकारी दी गई है जो पीसीसी सदस्य और स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। हमने सैद्धांतिक बैठक करी है कि किस तरह क्या हम नियम बनाएंगे और आगे हमारी और बैठकें होंगी। जब प्रत्याशी चयन पर भी मंथन हुआ था, प्रत्याशी को प्रत्याशी का नाम के बारे में चर्चा नहीं हुई, पर प्रत्याशी का क्या होए, कितनी दफे हारा हुआ होए, कितनी दफे जीता हुआ होए, किससे कितने वोट से हारा है, ये सब बातों पर चर्चा हुई है। रखे जनता रिपोर्ट कार्ड, अंत में जनता बनाती है और जनता ही रिपोर्ट कार्ड बनाती है। भोपाल में चिकित्सा